हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, आज है 30 सितंबर और कल से हमारे देश में अक्टूबर का महीना चालू हो जाएगा। और अक्टूबर को महीने को यदि हम कहें तो यहां पे त्योहारों का मौसम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में जो मुख्य त्यौहार है बिहार का, यानी कि दुर्गा पूजा, वो चालू होता है। और दोस्तों, मुख्य त्यौहार यानी कि दुर्गा पूजा से ठीक पहले हमारे देश के रेल मंत्री ने लगातार 5 दिन 5 ट्रेनों का उद्घाटन किया है झारखंड में। और दोस्तों, ये ट्रेनें झारखंड से चलेगी, इसका सीधा सा मतलब है कि किसी न किसी तरीके से ये ट्रेनें बिहार के यात्रियों को भी प्रभावित जरूर करेगी, बिहार वाले भी इसका फायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों, इनमें से जो 2 ट्रेनें हैं उसका सीधा फायदा बिहार वाले उठा पाएंगे। दोस्तों, कौन सी है ये ट्रेनें, कहाँ से कहाँ तक के लिए चलेंगी, आज किस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो करूँ, मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ इसका है तो आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इन ट्रेनों के नॉर्मल चलने की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेन संख्या 0142728 की। ये ट्रेन है पुणे से लेकर जीसीडी के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री जी ने किया है। दोस्तों, 1 अक्टूबर से ये ट्रेन पहली बार पुणे से नॉर्मल रूट से चलेगी और इसी के साथ साथ 3 अक्टूबर से ये ट्रेन जीसीडी से नॉर्मल रूट से चलेगी। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन के बिहार में स्टॉपेजेस की बात करें तो बिहार में इस ट्रेन के कई सारे स्टॉपेजेस हैं। बिहार में ये ट्रेन सासाराम, क्यूल, झाझा, गया रुकते हुए जीसीडी तक जाएगी। इसकी जो टाइमिंग है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपने यदि टाइमिंग देख ली है तो हम बात करते हैं अपनी दूसरी ट्रेन की। दोस्तों, ईस्ट ये ट्रेन भी बिहार को प्रभावित कर रही है और इस ट्रेन का नंबर है 0948384। ये ट्रेन है आसनसोल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन के बिहार में स्टॉपेजेस की बात करें तो बिहार में ये ट्रेन दानापुर, पटना, झाझा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जिस कारण से बिहार वाले इसका फायदा उठा पाएंगे। यदि हम इस ट्रेन के चलने की बात करें तो ये ट्रेन सप्ताह में सिर्फ 1 दिन चलेगी। अहमदाबाद से ये ट्रेन हर गुरुवार को, आसनसोल से ये ट्रेन हर शनिवार को चलेगी, जिस कारण से यहाँ पे गुजरात से बिहार आने के लिए एक नई ट्रेन मिल चुकी है रेल मंत्री जी के द्वारा। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इन दोनों ही ट्रेनों के बारे में पता चल गया होगा जो कि बिहार को फायदा पहुँचा रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, सब्सक्राइब इतना ही, मिलेंगे फिर नेटवर्क साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।